गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मुझे सनी देओल और नम्रता सिंह अभिनीत फिल्म बेताब फरियाद करेंगे, याद करेंगे। किसे करें फरियाद? भारत की ये जनता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौराहे पर खड़ी है। फरियाद करने वाले संस्थानों पर आम जनता का विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन, न्याय प्रणाली और सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों को भी मैं इस बात के लिए उनको एक प्रकार से सलाह दूंगा कि वो अपने इस ढर्रे को सुधारें, लोगों में आस्था बढ़े। SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट वहाँ लोग आएँ फरियाद लेकर, और फरियाद का निपटान ऐसे हो कि लोग याद करें। मैं इसीलिए इस एडिंग को लेकर चला था कि पर्दे पर तो सुना था कि फरियाद करेंगे और याद करेंगे, परंतु यहाँ आम जीवन में लोगों के मुंह से निकलना चाहिए कि फरियाद की थी और उसका हल निकला। इसके लिए सबसे पहले पुलिस प्रणाली को चौकस होना पड़ेगा। जो पीड़ित लोग थाने और चौकियों में पहुँचे हैं, वहाँ बदतमीज और गैर जिम्मेदार पुलिसकर्मी ना बैठे हों। जो दुखी व्यक्ति के साथ मजाक या लहजे में बात करें, ये अच्छा नहीं है। मैं आज के युवाओं से ये भी आह्वान करता हूँ, जो स्वयं पुलिसकर्मी बने तो एक अच्छा उदाहरण पेश करें। आजकल मैंने देखा है कई जो नए बच्चे जो BTech उपाधि धारक जो एक साधारण पुलिसकर्मी के तौर पर जो सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने लोगों की मानसिकता पुलिस के प्रति एकदम बदल डाली। इतने सभ्य तरीके से बात करना, इतनी सभ्य उनकी कार्य प्रणाली, तो मैं पुलिस से तो यही कहूँगा कि वो अपनी सुधार की और अपनी प्रतिष्ठा की बढ़ाने या सुधारने की गति को तेज करें। लोग निसंकोच आएं, उनकी बातें सुने और थाने दलाली के अड्डे ना बने। समय समय पर ये इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र और दिल्ली और अन्य जगह की, भाई थानों में ये होता है, थाने में जो थानों में नियुक्ति इस प्रकार की, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता प्रमाणिक बातों पर मेरा ये कहना है कि विशेष रूप से पुलिस प्रणाली को और IPS लोबी को भी मैं ये आह्वान करता हूँ कि वो अपनी दक्षता प्रदर्शित करें, अपनी योग्यता प्रदर्शित करें। बहुत कम IPS अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। किरण बेदी का आज भी नाम चलता है और बड़ी संख्या में आजकल महिला पुलिस अधिकारी हैं IPS कैडर की। उनसे मैं विशेष रूप से कहूँगा कि वो एक छाप छोड़े, और पुलिस हमारी ऐसी चाहिए। हमारा न्यायालय भी शुरू से यही, माननीय न्यायालय यही कहता रहा है, मैंने कई बार इनकाउंटर के मामलों पर सुनवाई करते हुए देखा है स्वयं, कि अपराधी को अपनी जान की रक्षा मार देने पर न्यायालय को कोई प्रकार का एतराज नहीं है, न भारतीय कानून को एतराज है, न भारतीय संविधान को एतराज है। मैं एक बात आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो कई कानूनी मामलों की जो जानकारी नहीं रखते हैं पुलिस के जो छोटे दर्जे के अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक के अफसर, उनको भी मैं बात साझा करना चाहता हूँ कि निसंकोच जो बड़े स्तर के अपराधी हमलावर जनता पर भी होकर, कई बार देखना होता है सिर्फ पुलिस पर हमले को हमला नहीं माना जाए। यदि आम जनता को भून कर अगर वो दौड़ लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर बर्बरता के साथ गोलियां चलाई जाएं, उनकी नेथे हाथों से गिरफ्तारी प्रयास नहीं किया जाए। वो चाहे कश्मीर हो, चाहे आसाम हो, कहीं भी हो, मैं देश में एक बात आज ये साझा करना चाहता हूँ, हम किसी जाति धर्म और संप्रदाय और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के मानने के पक्ष में नहीं, परंतु हम ये बात खुलकर कहना चाहते हैं कि अपराधी को सख्ती के साथ कुचल दिया जाए। और अगर कोई प्रतिवाद करता है, कोई व्यक्ति किसी भी स्तर का, तो मैं ये कहता हूँ कि वो व्यक्ति एक प्रकार से मेरा दुश्मन है और मेरे ऊपर मेरा और उसका युद्ध शुरू हो चुका है। चाहे वो न्यायालय में लड़े, चाहे वो समाज में लड़े, चाहे वो एक खुले मंच पर लड़े। अपराधियों के साथ पुलिस की और नरमी या डरना कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए, मैं साफ बता देना चाहता हूँ। और यही न्यायालय से कहना चाहता हूँ कि
जो यानी रेप के मामले, बलात्कार के मामले और हत्या के मामलों के जो दोषी हैं उन लोगों को फांसी बिल्कुल चौराहे पर दी जाए, बंद कमरों में नहीं चौराहे पर दी जाए, ताकि करोड़ों व्यक्ति जो अपराध के लिए लालायित होने का साहस करने की कोशिश कर रहे हों वो सोच भी ना सकें, उनके रोंगटे खड़े हों। मैं अदालतों से भी आज प्रार्थना कर रहा हूँ, विनीत एक प्रकार से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि न्यायाधीश महोदय अपनी छाप छोड़ें न्याय प्रणाली पर और न्याय की तह तक जाने की कोशिश करें। कई बार 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 जो अपीलें जो दायर की जाती है पर कोर्ट्स में, तो वकील मोदी लिखते हैं कि रॉन्ग ट्रैक्ट द लोअर कोर्ट, रॉन्ग ट्रैक्ट नहीं, रॉन्ग ट्रैक्ट बिल्कुल ना हो और अच्छे से बात जो है सीधी जो बात है जो न्याय की जो भाषा सामने दिखाई दे रही है वो उसको मान लें। मुझे एक बार याद है एक बहादुर सैनिक के जो देश की रक्षा कर रहे थे उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई अपराधियों द्वारा, और सेशन साहब ने 500 अपराधियों को कठोर सज़ा सुनाई और उच्च न्यायालय के एक, मैं उसको ये योग्य न्यायाधीश बोलते हैं, मैं यही भारत की न्याय प्रणाली भारतीय संविधान से चर्चा करना चाहूँगा कि उसमें योग्यता कहाँ से आ गई, मेरी समझ से बाहर है। जब सेशन मोदी ने उन 500 अपराधियों को सैनी के पिता की हत्या मामले में जितनी कठोर सज़ा सुनाई थी उस व्यक्ति ने उनको और बरी कर दिया और उस पर तरह तरह के आरोप भी लगे कि जौहरी बाज़ार में इसका साला बैठता है, ये न्याय उस दुकान से हुआ, ये ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। मैं विशेष रूप से न्याय प्रणाली पर भी जो चौकसी जो रख रही हैं जो एजेंसियाँ, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं गंदा न्यायाधीश दिखाई देता है तो शर्याम उसको सड़कों पर पीटा जाए, महाभियोग भी बहुत देरी से आएगा। अगर आपके पास प्रूफ है तो उसको पब्लिक के सामने लाया जाए, माननीय न्यायालय के सामने पकड़ कर लाया जाए कि सर ये गलत आदमी है, ये न्यायाधीश तो क्या काम सभ्य नागरिक तक नहीं है। तो इस तरह की बातों के लिए जनता एकजुट हो, पुलिस प्रणाली एकजुट हो, और मैं ये साफ बता देना चाहता हूँ भ्रष्ट और चरित्रहीन व्यक्ति का कोई पद नहीं होता, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे सेनाध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। चरित्रहीन व्यक्ति को सिर्फ उसको एक यानी गिरे हुए नीच श्रेणी के व्यक्ति के रूप में देखा जाए। मुझे एक बार याद है राम नरेश यादव जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल था, नारायण दत्त तिवारी जो आंध्र प्रदेश का राज्यपाल था, दोनों बहुत ही संगीन आरोपों में ये लोग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने तक का काम करते हैं। इन दोनों के बारे में समय समय माननीय न्यायालयों को प्रतिकूल टिप्पणियां करनी पड़ी कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं और आपके आचरण को देखते हुए ऐसा लगता है कि आप इस पद को छोड़ दें, और उनसे राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिलवाकर वो लोग आगे बढ़े। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि फरियाद करेंगे याद करेंगे तो ऐसे पुलिस अधिकारी भाइयों से मैं आज निवेदन करता हूँ कि वो चैनल को सुने और भारत की जो IPS लॉबी जो पूरी है आज से अपनी तीर कमान संभाल ले हनुमान जी बनने के लिए और बुराई का विनाश करने के लिए निश्चित रूप से। और इसी प्रकार से मैं न्यायाधीश और न्याय प्रणाली के बारे में कहना चाहूँगा कि सभी न्यायाधीशों से कि प्लीज़ गिरी हरकतें ना करें, बार बार ये लिखने की नौबत ना आए कि रॉन्ग ट्रेड कुछ नहीं है आपके सामने, बिल्कुल चीज़ें बार बार वकील एक बार नहीं उसको 100 बार बुला लो। न्याय इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि बहुत अपवाद स्वरूप कोई संवैधानिक या नागरिक मामलों में कई बार सुनने में आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। मैं माननीय न्यायालय को इसके लिए सम्मान देना चाहूँगा, नतमस्तक होना चाहूँगा, कई बार कहा इलाहाबाद उच्च न्यायालय एक भारत के जो जितने भी उच्च न्यायालय में या पूरा जुडिशियल सिस्टम के लिए एक रोल मॉडल है, और वहाँ न्यायाधीश मोदी ने जब राजनीतिक हत्याओं की राजनीतिक उत्पीड़न की जब बात सुन रहे थे उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा नहीं है, एक दल की सरकार उसने दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया, फिर उसको शुरू कर देंगे, क्या हम यही सुनते रहेंगे? अच्छा ये है कि पुलिस प्रणाली को इनसे बाहर निकाल कर एक न्यायाधीश के अधीन कर दिया जाए। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि आपका सुझाव ठीक हो सकता परंतु माननीय संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है और निर्वाचित सरकारी सबसे विश्वसनीय इकाई है इनको संभालने के और इनको डायरेक्शन देने की। तो ये बातें बड़ी बात हैं, इसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और सर्वोच्च न्यायालय की जो बातें हैं वो कई बार मैं देखता हूँ बहुत सी बातें मतलब विरोधाभासी होती है, विरोधाभासी मतलब वो संविधान आड़े आ जाता है, कई बार वो कहते हैं कि नहीं भैया ये संविधान की गरिमा के अनुकूल नहीं है, तो वो बातें बड़ी बातें वो चलती नहीं, मैं उस पर नहीं जाना। आम सड़क पर चलते नागरिक को ऐसा लगना चाहिए कि मैं सुरक्षित देश में घूम रहा हूँ, हमें सिर्फ स्विट्जरलैंड यहाँ दो तीन नेता, कोई फ्रांस का उदाहरण दे रहा है, कोई रूस का उदाहरण दे रहा है, कोई स्विट्जरलैंड, अरे भैया हमें उदाहरणों से काम नहीं चलेगा हमारा, तुम तो चले जाते हो यार यहाँ से,
तुम तो घूमने को कनाडा गया हो, कोई कहाँ गया, कोई नागरिकता ले रखी, कोई बसा हुआ। भैया हमें यहाँ जीना है। मैं 125 करोड़ भारतीय का चैनल ये जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। भैया हमें जीना, हमें न स्विट्ज़रलैंड जाना, हमें न पाकिस्तान जाना, अमेरिका जाना, हमें इस भारत माता पर रहना, ये जीवन यापन करना है और इसी की सेवा करनी। तो मेरा ये निवेदन आज कि पुलिस प्रणाली और न्याय प्रणाली दोनों चौकस हो जाएँ और एक अच्छा उदाहरण पेश करें और लोगों की जो फरियाद लेकर आएँ उनकी फरियाद को अच्छे से सुने। और जो CM पोर्टल, PM पोर्टल जितने भी चले हुए हैं, एक सिर्फ सही शिकायतों को डिस्पोज ऑफ करने की प्रणाली विकसित नहीं करें। जो गलत शिकायतें निश्चित रूप से आप अधिकृत हैं उन पर 182B के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय संविधान ने आपको अपराध की जो धाराएं उसके तहत शक्ति दी है। मैं मना नहीं कर रहा झूठी शिकायत, परंतु सत्य शिकायतों को डिस्पोज ऑफ करने की प्रणाली विकसित नहीं करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ लंबे समय से ज़्यादातर राज्यों में और केंद्र में जो पोर्टल चल रहे हैं उनसे जनता ज़्यादा संतुष्ट नजर नहीं आई। ये उचित बात नहीं है। यदि सही शिकायत कोई व्यक्ति लेकर आया है और तो उसका निपटान। और मैं आज सभी को लास्ट में एक बात कहकर विदा करना चाहता हूँ। शेरशाह सूरी जी हमारे भतीजे नहीं हैं, परंतु हम इस बात के लिए अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय न्याय प्रियता अगर की शासक ने आज तक, मैं ये कह रहा हूँ 1556-55-54 जो भी शेरशाह सूरी जब तक रहा, चौसा युद्ध के बाद सत्ता उसने हुमायूं से छीनी थी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आज उन बातों को करीब 450 से ज़्यादा अरसा हो गया, शेरशाह सूरी का नाम बिल्कुल एक छत्र चल रहा है। जहांगीर इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो बाहर जंजीर लटकाए रखते थे और जो भी फरियाद लेकर आता था वो कहते हैं फरियाद करोगे याद करोगे, जहांगीर की भी आदत थी। तो मैं आज भी जितने भी मुख्यमंत्री, जिलाधीश महोदय, SDM महोदय और भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश, सभी डिस्ट्रिक्टों के सेशंस, SDGMs, जितने भी इकाई के प्रधान है, सभी से विशेष प्रार्थना करता हूँ कि उदाहरण पेश करें और इस तरह की बातें 125 करोड़ भारतीयों के, ये प्रेस में को क्या कह रहा है, अखबार में क्या कह रहा है, वो उससे हमें को मतलब 125 करोड़ भारतीय कहें कि हाँ हम उनको न्यायाधीश न्याय प्रणाली में विश्वास रखते हैं और बड़े अच्छे निर्णय सुनाते हैं, ये सुनने में आना चाहिए। आज भी यदि हम समूह बैठाएंगे निश्चित रूप जो लोग जो पीड़ित थे उनको इकट्ठा किया जाए, उनसे पूछा जाए भाई कौन से न्यायाधीश मोदे हैं रहे हैं जिन्होंने आपकी फरियाद का अच्छे से निपटान किया और आप उनको याद करोगे। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, जो भी शक्ति जो भी कुर्सी धारित किए हुए हैं, मैं उनसे विशेष प्रार्थना है कि वो फरियादी जो हैं उनकी शिकायतों का ऐसा निपटान करें कि वो उनको याद करें। धन्यवाद।